दोस्तों, मैंने लिया है एक सीमेंट का बैग जिसमें सीमेंट है, दूसरा है रेत जो कि हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, एक टब है जिसमें बड़ा गमला बनाएंगे, एक नीचे छोटी टोकरी है जिसमें छोटा गमला बनेगा, और एक पोटल है जिसका गमला क्या हम बनाने का ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनेगा सीमेंट का घोल जिसके लिए मैं सीमेंट निकाल रहा हूँ, इसके बाद इसमें पानी ऐड कर दे रहा हूँ और फिर इसको खुरपे की मदद से धीरे धीरे मिला लेता हूँ। सिम्बा भी बहुत मस्तियाँ कर रहा है। अब इसके बाद मैं टब के अंदर थोड़ा तेल डाल लूँगा जो जिससे कि ये सीमेंट इस पे चिपकेगा नहीं। फिर धीरे धीरे मैं टोकरी के ऊपर टेप लगा लूँगा। मेरे पास बड़े वाली टेप नहीं थी इसलिए मैं मस्किन टेप का यूज कर रहा हूँ। चारों साइड टेप लगाने से ये होगा कि मैं इसके अंदर जब सीमेंट डालूंगा तो वो बाहर नहीं आएगी। तो देखिए कैसे। टोकरी के अंदर भी मैं सरसों का तेल लगा रहा हूँ, आप कोई भी ऑयल इसकी जगह यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर सीमेंट का घोल डाल के मैं राउंड राउंड घुमा लूंगा ताकि ये सीमेंट का घोल अच्छी तरीके से चिपक जाए। दोनों के साथ ही ऐसा करूंगा मैं। गमले बनाने के लिए मैं यूज करूंगा सीमेंट और सैंड का मसाला। इसमें आप सीमेंट एक पार्ट और सैंड 3 से 4 पार्ट यूज कर सकते हो। तो देखिए कैसे। मसाला बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि मसाला ज्यादा गीला ना हो, जितना सूखा मसाला होगा उतना अच्छा चिपकेगा। मैं एक ग्लास बोतल की मदद से इसके कॉर्नर्स को और इसका जो इंटरनल पोर्शन है उसको अच्छे से प्लेन कर दूंगा। छोटे वाला गमला लगभग बनकर तैयार है। इसके बीचों बीच मैं एक छेद कर दूंगा ताकि जब इसमें मिट्टी डाले तो पानी नीचे निकल जाए। बारी है बड़ा गमला बनाने की, इसको देखिए मैं कैसे पूरा करता हूँ। इसको फिनिश देने के लिए मैं ऊपर से डाल दूंगा सीमेंट का घोल जिससे इसके किनारे थोड़े अच्छे दिखने लगेंगे। बड़े गमले के बाद अब बारी है बोतल का गमला बनाने की। इसके लिए मैं 1 2 लीटर की बोतल को बीच में से काट लूंगा और उसके अंदर दूसरी छोटी बोतल लगा के उसके चारों साइड सीमेंट का पेस्ट भर दूंगा। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको सिम्बा उठाता हुआ साथ साथ में जा रहा है। देखिए तो गमले अब बन के तैयार हैं। अब हम इनको सूखने के लिए 24 घंटे के लिए ऐसे ही छांव में रख देते हैं। तो 24 घंटे हो गए हैं। अब मैं सिम्बा और हथौड़े की मदद से जो बड़ा गमला है पहले उसको निकालने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मौसम सर्दियों का है तो 24 घंटे में ये पूरी तरीके से नहीं सूख पाता है। तो अगर आप घर पे ट्राई कर रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 1.5 दिन के लिए कम से कम रखें ताकि ये सीमेंट जल्दी से सेट हो जाए। गर्मियों में आप इसको 16 घंटे के आसपास भी निकाल सकते हो। तो देखिए छोटे वाले गमले पे अच्छी इम्प्रेशन आई है टोकरी की, काफी अच्छा लग रहा है ये। अब बारी है बोतल वाले गमले को निकालने की। दोस्तों, इसमें मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने जो इसके अंदर बोतल इंसर्ट की थी वो नीचे से चौड़ी थी। तो जब भी आप बनाओ घर पे तो इसमें आप बोतल जो यूज करोगे वो जिसका उसका बेस कम से कम प्लेन होना चाहिए। जैसे बिसलेरी की बोतल आती है ऐसी बोतल आपको इंसर्ट तो करनी बोतल चाहिए को थी। बाहर निकालते टाइम मेरा जो बोतल वाला गमला है वो टूट गया है, तो जुगाड़ू मैन से ये गलती हो गई थी। तो आप घर पे ये गलती रिपीट मत कीजिएगा प्लीज़। अब गमलों को आखिरी टचअप देने के लिए मैं यूज करूंगा सीमेंट पेस्ट का घोल। इसको मैं ब्रश की मदद से चारों साइड लगा दूंगा जिससे कि ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा बाहर से। इसको धीरे धीरे करके मैं गमले के चारों साइड लगा दूंगा जिससे ये बिल्कुल प्लेन होता जा रहा है।
तो दोस्तों इस तरीके से बनकर तैयार होते हैं हमारे गमले। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते रहिए ऐसे ही जुगाड़ू मैन को।